नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 8 वजह जिससे कि आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों को कहते हुए सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना जो होता है वो ख़राब होता है, ऐसा करने से आप कर्जे में डूबते चले जाते हो, आप बर्बाद हो जाते हो। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे सिर्फ वो लोग बर्बाद होते हैं जो जिम्मेदार नहीं है और उन्हें लगता है कि क्रेडिट कार्ड पर खर्च कर लिया तो वापस नहीं करना है, और उन्हीं के खर्चे बढ़ते हैं जिन्हें लगता है कि अब क्रेडिट कार्ड आ गया तो कुछ भी खर्च कर लो। अगर आप जो खर्चे अपने डेबिट कार्ड पर करते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, उतना ही अगर क्रेडिट कार्ड पर करेंगे तो आपको इसमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसी 8 वजह जो मैंने सॉर्ट करी हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदे आपको इसमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहली हम बात करेंगे, जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहाँ पर साइन अप बोनस और कहें कि वेलकम ऑफर आपको मिलता है, जिसमें कि आपको करीब 2 से 3 हज़ार रुपये तक का कुछ बेनिफिट मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कार्ड किस तरह का है और किस फॉर्म में वो बेनिफिट आपको मिल रहा है। अगर आपका कार्ड इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है तो उसमें आपको मूवी टिकट फ्री मिल जाती है। अगर आपका कैशबैक के लिए बनाया गया है तो अमेज़ॉन में आपको कैशबैक मिल जाता है। और भी अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं तो आपको अलग अलग तरह से जो है साइन अप बोनस जो है मिल जाता है। ये हो गया पहला। अब बढ़ते हैं दूसरे फायदे की तरफ। दूसरा फायदा है कि क्रेडिट कार्ड में आपको जब भी आप कुछ भी स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिनका इस्तेमाल आप बाद में इकट्ठे होने के बाद में कर सकते हैं। कहीं पर भी आप उसको कैश में रिडीम करा सकते हैं, आप उससे वाउचर ले सकते हैं खाने पीने के या मूवी के, शॉपिंग के। तो आपको ये पॉइंट जो है जब भी आप खर्च करते हैं वो मिलते हैं, जो कि आपको डेबिट कार्ड में उतने नहीं मिलते, जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर ही आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट मैंने जो शॉर्ट लिस्ट किया है वो ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर विजिट करते होंगे, तो आपने वहाँ देखा होगा कि कैशबैक मिल रहा है इस कार्ड को इस्तेमाल करने पर, ये वाला स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आपको इतना कैशबैक मिल जाएगा। तो जो कैशबैक ऑफर होते हैं वो मैक्सिमम केसेस में आपको क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर ही मिलते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड जब लेंगे तो आपको उसमें कैशबैक भी मिल जाते हैं। ये तो रही बेसिक सी बातें कि साइन अप बोनस क्या है, पॉइंट्स क्या हैं और आपका कैशबैक मिल रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी जेन्युइन, जो कि सब लोगों को पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मेरा चौथा जो पॉइंट है वो है सेफ्टी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं तो वो अक्सर जो फ्रॉड होते हैं ना वो डेबिट कार्ड्स के ऊपर ही होते हैं, कि किसी के बैंक से पैसा चुरा लिया। आपने बहुत कम सुना होगा कि किसी के क्रेडिट कार्ड से किसी ने पैसा चुरा लिया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जो ट्रांजेक्शन करना इस तरह से थोड़ा सेफ होता है ना, कोई UPI का झंझट होता है जो पेटीएम से आपका पैसा निकाल लेगा। तो इस तरह से थोड़ा क्रेडिट कार्ड जो होता है वो सेफ होता है। दूसरा ये है कि क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होती है, क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होती है निर्धारित, और उससे ज़्यादा उसमें निकाला नहीं जा सकता। बैंक अकाउंट आपको भरा रहता है पैसों से, उसमें से कितना भी पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा जब क्रेडिट कार्ड पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी होती है कि एक ही तरह के वॉलेट में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है 1-2-3 बार लगातार, तो ऐसे में वो आपके ट्रांजेक्शन को रोक देती है क्रेडिट कार्ड कंपनी, और आपको इन्फॉर्म आता है, कॉल आता है आपको कि आपके कार्ड पर ये ट्रांजेक्शन आप ही कर रहे हैं। तो आपका चोरी भी होने वाला है, कुछ फ्रॉड होने ही वाला है, तो वो भी बीच में रुक जाएगा, तो आपका पूरा पैसा नहीं निकाला जा पाएगा। इसके अगला कारण जो क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना चाहिए वो है आपको यहाँ पर ग्रेस पीरियड मिल जाता है। मान लीजिए कि कभी आपके पास पैसा नहीं है, आपको पता है लेकिन आ जाएगा 10-15 दिन में, आपकी सैलरी आ रही है या कहीं और से पैसा आ रहा है, तो उस केस में आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 30 से लेकर 50 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है, जिसमें कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, फ्री में आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाद में जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप उसको भर के आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अगली वजह है क्रेडिट कार्ड को यूज करने की, क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको पता नहीं होगा लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती है, वो आपके साथ होने वाली फ्रॉड एक्टिविटीज या फिर आपके कार्ड के प्रोटेक्शन के लिए, और कई केसेस में तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी क्रेडिट कार्ड कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो कि आपको डेबिट कार्ड में नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो आपको इंश्योरेंस भी क्रेडिट कार्ड के साथ में मिलता है। इसके अगला पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड का जो एक्सेप्टेंस है वो यूनिवर्सल है। आप क्रेडिट कार्ड को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कहीं कहीं काम नहीं करता है। अभी आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपका काम करेगा। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अगर आप बाहर से, देश के बाहर से, तो वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड जरूर काम करेगा। इस कंडीशन में आपके डेबिट कार्ड काम करना बंद कर देते हैं। तो जो इसका एक्सेप्टेंस है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है क्रेडिट कार्ड का, तो इसमें आपको ये
अलग से फायदा एक मिल जाता है। इसकी अगली वजह है कि आप जब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर बिल्ड होता है। सिबिल स्कोर तो आप सब जानते होंगे क्या होता है, कि सिबिल स्कोर अगर आपको बढ़ता जाएगा तो आपको आगे चल के फ्यूचर में कोई लोन लेना या क्रेडिट कार्ड लेना तो उसमें बहुत आसानी रहती है। और आपके सिबिल स्कोर को बिल्ड करने के लिए सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड ही यूज़ में आता है, आपका डेबिट कार्ड आपके सिबिल स्कोर को नहीं बढ़ाता है। इसकी अगली वजह है कि आप जब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आपको कोई सामान लेना है तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि आप उसकी ईएमआई करा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है और इकट्ठा हम पे नहीं कर सकते उसको, तो आप ईएमआई पे लेके क्रेडिट कार्ड से कोई भी सामान उसको आसान किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के, ये वजह है जिसकी वजह से आपको क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना चाहिए। और नुकसान क्या है, नुकसान सिर्फ ये है कि अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तब ही नुकसान है। अगर आपके हाथों पे कंट्रोल है, फिजूल खर्ची आप नहीं करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रही बात इसके चार्जेस की, चार्जेस आपको तभी लगते हैं जब आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते। सालाना फी तो सिर्फ 500 या 600 रुपये होती है, अगर आप अच्छा खासा अमाउंट खर्च करें क्रेडिट कार्ड पर तो वो भी माफ़ हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।